आज देवी अहिल्या सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की निगम आयुक्त ने बैठक ली। बैठक में थोक व्यापारियों को व्यवसाय के लिए सब्जी मंडी से अनाज मंडी में अस्थायी तौर पे व्यवसाय शुरू करने के लिए कलेक्टर द्वारा व्यापारियों को आदेश दिए गए। इस आदेश का व्यापारियों ने विरोध किया। बताया गया कि अनाज मंडी में व्यवसाय शुरू करने से यहां सुविधाएं कम होने से किसानों और व्यापारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शासन द्वारा सब्जी व्यापारियों को रात 10 से सुबह 5 बजे तक का समय दिया गया है, जिसमें कर्फ्यू के समय व्यापार करने से माल परिवहन में मुश्किल हो सकती है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। बैठक में जय देवी हरी सब्जी एसोसिएशन के सचिव उमा शंकर रायकवाड़ और थोक व्यापारी विजय राजौरे समस्त लोग बैठक में उपस्थित थे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। सब्जी मंडी वाले सिर्फ सब्जी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर रात में आएंगे व्यापार करने और सब्जी खरीदने, तो हम उससे ही जुड़े रहेंगे। आपका जो सुबह की शिफ्टिंग वाले सारे हट जाएंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। प्रशासन से किस प्रकार की सहायता मांगने? बस यही बोला क्या भाई, यहाँ पर हमारे लक्ष्मीबाई मंडी का प्रांगण बहुत बड़ा है, मंडी प्रांगण, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप अपना व्यापार करिए 10 रोज के लिए। तो हमने बोला साहब ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सभी क्या नाम विजय राजौरे। तो 75 दिन जब घर बैठे हैं तो 10 दिन में क्या दिक्कत है? मतलब कहने का भाई किसान को भी आने की दिक्कत है भाई। आज एक गरीब ठेले वाला आएगा, अगर एक किराए टमाटर लेना है उसके पास सुविधा नहीं है कि ओनली ठेला है, तो बेचारा इतनी दूर से कैसे आएगा इसमें। और प्लस क्या है कि हमालों के पास गाड़ी नहीं, किसी पास गाड़ी है तो गाड़ी वाला तो आ जाएगा, ठीक है। 5 रुपये तक की अगर हमाल करता आएगा, ठीक है, तो उसको सुविधा का कैसे क्या रहेगी? मतलब इतनी दूर पड़ेगी, किसान को आने में दिक्कत आएगी, व्यापारी को दिक्कत आएगी भाई। रात बिरात में मान लो हम लोग दलालों के पास सिलक भी रहती है कुछ भाड़ा देने के लिए, 2000, 4000, 5000, अगर किसी दलाल के साथ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? बैठक इसलिए बुलाई थी क्या, जो चौहित्रा मंडी देवेलिया चौहित्रा मंडी है वहाँ पर हम लोगों का सभी जने का थोक व्यापार है सब्जियों का, और उन्होंने यहाँ पर बोला है कि 10 रोज आप यहाँ पर लक्ष्मीबाई नगर में आप अपना व्यापार चालू करें 10 रोज के लिए, ओनली 10 रोज के लिए परमिशन मिली है कलेक्टर महोदय से। तो हमने बोला कि साहब हमने ये प्रस्ताव रखा था, आवेदन दिया था कलेक्टर महोदय को कुछ समय पहले, क्या हमारी मंडी शाम को करी जाए, शाम को 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक है ना, और जो भी किसान भाई आएंगे वो चौहित्रा मंडी में ही हमारे को टच हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कठिनाई उन्हों से और एड्रेस बताने में बहुत दिक्कत आएगी क्या, और वहाँ पर हमारा व्यापार जमा हुआ है। और शाम जब आलू मंडी और फ्रूट मंडी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उन लोगों को परमिशन मिली है, फ्रूट मंडी अभी चालू होने वाली जैसे, तो उसके बाद हमारे को परमिशन 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दे दी जाए, मंडी पूरी खाली हो जाती है, ले जाएंगे सब्जी वाले। तो हमारा ये उनसे निवेदन था कि भाई हम 15-15 फुट की दूरी पे हमारा व्यापार वहाँ पर हम पूरी मंडी में कर सकते हैं सुविधा से, क्योंकि हमारी आज पेड़ी हैगी वहाँ पर, दुकान उन्होंगी सभी व्यापारी उन्होंगी, किसान यहाँ पर आएगा तो परेशान होगा और कहाँ पर बैठेगा, कहाँ पर क्या सोएगा है ना रात भर, और कहाँ पर हम बिल बनाएंगे, क्योंकि अगर लक्ष्मीबाई मंडी में हम शिफ्ट होते हैं कलेक्टर महोदय के आदेश पर, तो यहाँ पर से अगर किसान को हमने जैसे माल दिया, किसान का माल बेचा, उसके बाद हम यहाँ पर से लेके अपने चौहित्रा मंडी ले जाते तो सारा दिन तो उसका इसी में चले जाएगा। अब वो घर पे कब पहुँचेगा, उसको 2 रोज तो मंडी में ही हो जाएंगे। तो हमारा ये निवेदन है कि वहाँ पर चौहित्रा मंडी में हमारे को परमिशन दी जाए शाम को 6 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक की। जो मंडी से तो काफ़ी छोटी है ये, छोटी है, प्रशासन ने 10 दिन का यहाँ पे व्यवसाय करने का निर्णय लिया गया है, तो इसकी क्या वजह पीछे थी? इसकी ये वजह है क्या, उनका ये मानना था कि भाई फ्रूट मंडी भी चल्लू वहाँ पर एक जगह हो रही है और आलू मंडी तो चल्लू हो ही गई है, तो कहीं ऐसा नहीं हो क्या जनता का ज़्यादा वहाँ पर संक्रमण कहीं फैलने लग जाए, उनका ऐसा उनका अपना मत है। और हमारा ये मत है कि भाई रात को हम जब चल्लू करेंगे, जब सुबह वाले जो शिफ्टिंग वाले हैं आलू प्याज और फ्रूट मंडी वाले वो निकल जाएंगे। ये किस प्रकार की बैठक बुलाई गई थी आज मंडी में? आज कृषि उपज मंडी समिति के सचिव आदरणीय मुनिया जी,
और अपर आयुक्त नगर निगम के माननीय श्रीवास्तव जी थे, नाम तो मेरे को मालूम नहीं, और कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो है आज की बैठक का आयोजन किया गया था कि सब्जी मंडी जो देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी में लगती है, जिसे टी चोइतराम सब्जी मंडी कहते हैं, वहाँ के थोक व्यापारियों को बुला करके कहा गया कि आप लोग यहाँ 10 दिन के लिए मंडी चालू कर लो, उसके बाद हम विचार करेंगे। व्यापारियों ने मना कर दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई 3-4 दिन के लिए आप चालू कर लो, और रात को 10 बजे से सुबेरे 5 बजे तक मंडी चालू रहेगी। हमारा इसमें यह था कि हम शासन को सहयोग करना चाहते हैं, विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कर्फ्यू के दौरान में जो रात को 9 बजे से सुबेरे 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा, उसमें व्यापारी व्यवसाय कैसे करेगा, किसान कैसे आएगा, और जो माल बेचेगा किसको बेचेंगे, कर्फ्यू रहेगा। इसलिए हमारा निवेदन ये कि प्रशासन इस विषय में सोचे। हम सारे व्यापारी, जितने भी थोक व्यापारी हैं, हम पूरा सहयोग करने को तैयार है, हमारा कोई विरोध नहीं है। शासन द्वारा किस प्रकार से सहायता दी देने की? नहीं, शासन द्वारा ये कहा गया कि लक्ष्मी बाई नगर अनाज मंडी है, अब यहाँ सब्जी मंडी अगर लगा दी जाए तो सवाल ये उठता है कि एक तो ये सूना इलाका पड़ता है, दूसरा व्यापारी आएगा जाएगा, बीच में लूटमार हो जाए, फिर कर्फ्यू के दौरान में सब्जी बिकेगी कैसे, ये अधिकारियों को सोचना चाहिए। हमारा निवेदन ये, माननीय मुख्यमंत्री जी कल आने वाले हैं, अब इनके ऊपर भी दबाव, कैसे भी मंडी चालू हो, तो हम सहयोग करने को तैयार है। सारा थोक व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरदास जी माखीजा, टमाटर यूनियन के अध्यक्ष कमल चौधरी जी और तरुण माली जी और निखिल हार्डिया जी, रहीस भाई, मोहन सिंह गोड़, ये सब व्यापारी एसोसिएशन है, हमारे यहाँ 4-5 यूनियन है, सभी जने सहयोग करने को तैयार हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमा शंकर रायकवार है, मैं जय देवी हरी सब्जी व्यापारी एसोसिएशन का सचिव हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।